आज नए टॉपिक के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। और आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों का कोडिंग सिस्टम। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का जो कोडिंग सिस्टम होता है वो कैसा होता है कोडिंग सिस्टम, और उन पर हम कोडिंग करते क्यों हैं, और किस तरीके से इस कोडिंग प्रणाली को हम समझते हैं, इस सभी के बारे में हम डिटेल से समझाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होती हैं या पुर्जे होते हैं अपने, वो सबसे छोटे होते हैं, यानी कम से कम स्पेस घेरते हैं पुर्जे को। ठीक है, जितना हो सकता है उतने कम पुर्जे स्पेस इनका घेरने के लिए स्थापित किए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं या छोटे पुर्जे होते हैं, कई पुर्जे तो इतने छोटे होते हैं कि इनको हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है। तो अब आप जरा सोचिए कि इतने छोटे पुर्जे हैं, अब इन पुर्जों पर इनका मान या वैल्यू अंकित करना है या इनके बारे में स्पेसिफिकेशन पे निर्देशित करना है, तो हम कैसे करेंगे जो है। अब अगर कोई डिवाइस बड़ी होती है तो हम उस पर एक चिट चिपका देते हैं बहुत बड़ी, और उसमें करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर और उसकी वैल्यू, ठीक है, और उसका यूजेज वगैरह सारी चीज़ें अपन लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एक छोटा सा डायोड है, ये छोटा सा हमारा ट्रांजिस्टर है, तो उस पर हमें कोई भी प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और उसकी इतनी डिटेल लिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कोडिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। अब कोडिंग सिस्टम जैसे हमारा रेजिस्टेंस हुआ, कैपेसिटर हुआ, डायोड हुआ, ठीक है, ट्रांजिस्टर हुआ, आईसी हुई, इस तरीके का कोई सा भी गैजेट है, इन सब पर हम कोडिंग सिस्टम करते हैं। जैसे हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की जो कोडिंग सिस्टम होती है वो दो तरीके से कर देते हैं, एक कलर कोडिंग सिस्टम कर देते हैं उस पर हम, और दूसरी जो कोडिंग सिस्टम होती है वो हम लेटर और न्यूमेरिकल से कर देते हैं, ठीक है। तो उससे उसकी वैल्यू पता चल जाती है कि एक रेजिस्टेंस है वो कितने मान का। ऐसे हम कैपेसिटर पे भी कलर कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन डायोड होता है तो डायोड पर हम कलर कोडिंग नहीं कर सकते, डायोड पर हम कोडिंग करते हैं जो है, ठीक है। तो डायोड पर जैसे 1N4007 सबसे इम्पोर्टेंट मुख्य डायोड होता है। अब ये समझते हैं कि जो भी इस पर हम कोडिंग करते हैं वो क्या क्या चीज़ हमें बताती है। सबसे पहले जो भी हम कोडिंग करते हैं वो हमें ये बताता है कि ये जो डिवाइस बनी है वो किस देश में बनी है। अब जैसे USA का है तो बनेन आता है, ठीक है, जापान का है तो S आता है उसके लिए, या S भी आता है, 2 लगा रहता है उससे पहले, ठीक है, 2S भी आ जाता है, 30-55 हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग देशों के अनुसार इसकी कोडिंग की जाती है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि कुछ अक्षर इसमें ये बताते हैं कि इसका मटेरियल्स कौन सा है, यानी बना ये जर्मेनियम का है या सिलिकॉन का बना है या कंपाउंड करके अपन ने इसको बनाया जो है, ठीक है। कुछ अक्षर ये बताते हैं हमें इसका यूजेज क्या होना है, मतलब किस तरीके से इसको यूजेज करना है। जैसे एक डायोड होगा, रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करना है आपको, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज करना है आपको जो है, ठीक है, पावर वोल्टेज के लिए यूज करना है, सेंसर के रूप में यूज करना है, लाइटिंग के रूप में यूज करना है, तो आपको यूज कैसे करना है वो अक्षरों के द्वारा ही पता चलता है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी वोल्टेज कैपेसिटी क्या है, करंट कैपेसिटी क्या है, और लास्ट में ये रहता है कि इसकी टेम्परेचर कैपेसिटी क्या है। चूँकि इस पूरी प्रोसेसिंग को समझने के लिए इसके लिए एक बुक होती है जिसे हम डाटा बुक कहते हैं। तो कोई भी जब कंपनी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाती है तो उसके साथ वो एक डाटा बुक तैयार करती है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसमें कितना करंट, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें अंकित रहती हैं, और उसी से हम पूरा का पूरा कोडिंग सिस्टम समझ सकते हैं। लेकिन कुछ कोडिंग सिस्टम बहुत ही प्रचलित होते हैं, उनको हमें याद रखना होता है। जैसे मैं एक डायोड की उदाहरण दूँ, 1N4007, ठीक है, BY127 होता है जो है, ठीक है। तो इस तरीके के अलग अलग जो डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हुआ, IC में, ये सब की एक कोडिंग होती है। तो अब अपन इस कोडिंग को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए डैशबोर्ड पर चलते हैं। तो डैशबोर्ड पर देखते हैं कि किस तरीके से हम कोडिंग करते हैं। अब आ गए हम डैशबोर्ड पर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं। अब छोटी होने से क्या होता है कि इन डिवाइसों पर हम इनकी वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं। तो वैल्यू को नहीं लिख सकते हैं, फिर इनको पता कैसे पड़ता है कि ये कितनी वैल्यू का है, क्या है इसकी वैल्यू। तो ये ज्ञात करने के लिए हम उस पर कोडिंग करते हैं। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे होते हैं उन सब पे हम क्या होता है, मार्किंग जिसे कहते हैं या कोडिंग जिसे हम
कहते हैं, तो हमें क्या है कोडिंग करनी पड़ती है जो है, ठीक है। सबसे पहले मैं कोडिंग समझाऊँ क्या होती है। कोडिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट का एक अपना फ्रेम का एक कोड होता है, ठीक है, जिसके थ्रू उनको ये ज्ञात करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या है, वोल्टेज क्या है या वो कितनी वैल्यू रखते हैं जो है, ठीक है। ये सब बातें रहती हैं उसकी कोडिंग के थ्रू। तो कोडिंग क्या होता है, कुछ लेटर्स और कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके थ्रू मिलकर हम बनाते हैं जो है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोडिंग रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस की कोडिंग में क्या होता है कि दो प्रकार से करते हैं। एक सबसे पहली इसकी जो कोडिंग होती है वो कलर कोडिंग होती है। कलर कोडिंग से मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस पे हम कलर की बैंड बना देते हैं चार और उससे उसकी कोडिंग की जाती है। तो ये था इसका पहला प्रकार कोडिंग के लिए जो है, ठीक है, इस तरीके का। और दूसरा जो तरीका रहता है इसका जो है वो उस पर न्यूमेरिकल्स रहता है, यानी अपन उसको कोड करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको रेजिस्टेंस के दूँ कोडिंग की, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होगे R10 लिखा है, तो इसकी कोडिंग हो गई है जो है, ठीक है। और ऐसे ही 1K2 लिखा है, तो ये 1K2 का मतलब होता है 1200 ओम का है जो है, ठीक है। और इसके बाद 1M5 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है 1 मेगा ओम और 50 मेगा ओम से स्टार्टिंग किया गया है या बनाया गया है इसको जो है। तो इस तरीके से इनकी कोडिंग रहती है रेजिस्टेंसों पे, तो हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है। अब अपन चलते हैं दूसरी कोडिंग की ओर। तो दूसरी कोडिंग में आते हैं अपन बात सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा अपना सबसे पहले डायोड या PNP जंक्शन। तो PNP जंक्शन की जब सबसे पहले अगर अपन कोडिंग देखेंगे तो इसकी ओड सिस्टम से कोडिंग होती है। ओल्ड का मतलब होता है कि पुराने समय में जो कोडिंग चलती थी वो रहती है। इसमें क्या होता है कि कुछ अक्षर जो रहते हैं वो कुछ अलग तरीके की कोडिंग को दर्शाते हैं और जो नंबर रहते हैं वो उनकी वैल्यू को दर्शाते हैं जो, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ओल्ड सिस्टम में चले तो ए लिखा होगा इसकी कोडिंग, तो समझ जाएंगे हम कि ये डायोड है, रेक्टिफिकेशन डायोड है। डायोड में कौन सा आएगा, रेक्टिफिकेशन डायोड आ जाएगा, मतलब ये AC से DC बदलने वाला है। दूसरा क्या है, AP लिखा है, तो इसका मतलब होता है फोटो डायोड होगा। AZ लिखा है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन डायोड है, मतलब AZ उस पर लग गया, मतलब ये जो डायोड बनाया गया है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बनाया गया। अब अगर उस डिवाइस पर C लिखा है तो वो आपका ट्रांजिस्टर हो जाता है, और CP लिखा है तो फोटो ट्रांजिस्टर हो जाएगा। तो ये जो पद्धति थी वो था ओल्ड पैटर्न। अब जो न्यू वर्जन है कोडिंग का उसको देखते हैं। तो न्यू वर्जन क्या होता है, 2 अंक से बनता है हमेशा, ठीक है। जो फर्स्ट लेटर्स होता है वो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल दर्शाता है। जैसे ये पहला जो लेटर रहेगा वो सेमीकंडक्टर मटेरियल दर्शाएगा कि मतलब कौन से का बना हुआ है। जैसे ए से स्टार्टिंग है वो, तो हम समझ जाएंगे ये जर्मेनियम का है, और अगर बी से स्टार्ट है तो हम समझ जाएंगे ये सिलिकॉन का है। सी से स्टार्ट है तो हम समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड है, ठीक है, गैलियम आर्सेनिक कंपाउंड मिला हुआ है। और अगर ये आर से स्टार्ट है तो हम समझ जाएंगे कैडमियम का और सल्फाइड का कंपाउंड मिला हुआ है। तो ये आपके जो है 4 अक्षर पहले वाले फर्स्ट लेटर होते हैं। फिर सेकंड जो लेटर होता है वो आपका बताता है इसका वर्क कि मतलब इसका वर्क क्या है। जैसे सेकंड में लिखा है ए, तो ये है डिफ्लेक्शन डायोड, हाई स्पीड डायोड, मिक्सर डायोड हो गया जो है, मतलब डिफ्लेक्शन डायोड हो गया जो, ठीक है। बी लिखा है, तो ये वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड हो गया। अब जैसे किसी डायोड के ऊपर ए भी लिखा है, ठीक है, ऐसा, तो ए का मतलब हो जाएगा अपना क्या, बना किसका है, तो जर्मेनियम का ना। बी का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, कि ये काम क्या करता है, तो वेरिएशन कैपेसिटी डायोड का काम कर रहा है जो है। ऐसे सी लिखा है तो ट्रांजिस्टर का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा समझ में आना पड़ेगा हमें कि पहला अक्षर इसका पदार्थ बटेगा, मटेरियल बताएगा किसका बना है, और जो दूसरा लेटर होता है वो ये बताता है कि हमें यूजेज इसका क्या करना है। इस तरीके से पूरा देखो जेड तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा पूरा कि कौन सा जो है अक्षर है वो किस वैल्यू को दर्शाता है जो है, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी किसकी, डायोडों की कोडिंग सिस्टम जो है, ठीक है, इस सिंपल कोडिंग सिस्टम। अब उस पर क्या होता है, एक वैल्यू लिखी रहती है। तो वैल्यू में क्या होता है कि जैसे इसका वैल्यूएशन में अगर 1 लिखा है तो ये हमेशा डायोड होता है, यानी 1 जंक्शन से होता है 1N चालू होगा।
और टू लिखा हुआ है, तो ये दो जंक्शन हो जाता है। मतलब ज़्यादातर जो ट्रांजिस्टर होते हैं उन पर टू से चालू होता है जो, ठीक है। वन होगा तो सिंगल जंक्शन होता है, टू होता है तो डबल जंक्शन होता है, ठीक है। और तीन लिखा होता है तो ज़्यादा जंक्शन हो जाते हैं, यानी तीन जंक्शन हो जाते हैं। तो जो हमारी पावर डिवाइसेज होती हैं उनमें हमेशा तीन से या तीन जंक्शन से वो चालू होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डायोड का पहला अक्षर जो रहता है वो ये बताता है कि इसमें जो है जंक्शन क्या है जो है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, यहाँ पे ये देखो, ये डायोडों का लिखा है 1N4007। ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट डायोड होता है, ये सबसे सामान डायोड होता है, ठीक है। जैसे 2N3055 लिखा है, ठीक है, इस तरीके का ये डायोड नंबर होता है। तो इससे अपन पहचानते हैं किस तरीके का ये डायोड है जो है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको देश के आधार पे क्या होता है। जो देश होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे बनाता है, वो एक अपना स्वयं का एक कोडिंग सिस्टम लगाता है जो, जिससे ये पहचान हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जा है वो किस देश का है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जेडेक्स सिस्टम होता है, तो जेडेक्स सिस्टम क्या होता है, यूएस का है। देखो यूएस का मतलब होता है अमेरिका का है। तो जब भी किसी भी पुर्जे के आगे 1N चालू हो जाए या 2N, मतलब N अक्षर से चालू हो जाए, तो आप समझ जाना कि ये जो यूएस का पुर्जा है या यूएस देश कंट्री का ये बनाया गया है, ठीक है। दूसरा आता है प्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। प्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम द एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल प्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मतलब इसको जो वैलिड है ये पूरा जो है इंटरनेशनल तरीके से ही इसको वैलिड किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रो इलेक्ट्रॉनिक, ये आपकी जो है जो प्रो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पद्धति है, ये भी एक अलग देश की होती है जो है, ये जर्मनी की होती है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग देशों के लिए प्रयोग होती है। इसका जो अक्षर होता है वो BY रहेगा आपका जो है, ठीक है। जैसे देखो ये लिखा हुआ है BY127, तो इस तरीके का अगर ये लिखा है, या फिर ACY लिखा है देखो 17, तो ये आपकी जो है वो ZX प्रणाली होती है। तो इस तरीके की जो प्रणाली होगी वो ZX प्रणाली में आएगी जो है, ठीक है। अब जो लास्ट है वो है अपने जिस, तो ये होती है जापान स्टैंडर्ड्स जो है इंडस्ट्रीज होती है, तो ये जापान का होता है। जापान का हमेशा 2S से चालू होता है, मतलब ठीक है उसका जो कोडिंग होता है वो 2S से होता है, यानी इसके S चालू हो जाएगा। अच्छा 2 है वो आपका जो है जंक्शन दर्शाएगा, लेकिन 2S से चालू होगा। फिर आगे देखो इस तरीके से ही एक्सप्लेंस में है, जैसे 2SB364, तो ये हो जाएगा आपका जापान का पुर्जा जो है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कोडिंग सिस्टम होता है, अलग अलग देश का अलग अलग कोडिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है जो है। तो इस तरीके से चलता है पूरा का पूरा ये कोडिंग सिस्टम। अब मैं कोडिंग में एक चीज़ और बताता हूँ। अब आप सोच रहे हो कि साहब भारत का तो आई नहीं है, तो भारत क्या होता है कि स्वयं के पुर्जे नहीं बनाता, ये फ्रेंचाइजी लेता है, मतलब दूसरे कंपनी से या किसी देश से जो है डायोड वगैरह बनाने का इसने जो है फ्रेंचाइजी ले ली है, तो वो फिर उसी कंपनी के नाम के आधार पर डायोडों का निर्माण करता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग करता है, यानी स्वयं का कोई ऐसा इंडिया का कोड नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये कोडिंग सिस्टम आपको अभी